त्योहारों में बिजनेस की अच्छी सेल के लिए कैसे रखें लुभावने प्रस्ताव। अगर नया बिजनेस शुरू किया है तो कैसे इसे आगे बढ़ाएं। अपना बिजनेस शुरू करना सभी का सपना होता है। बिजनेस शुरू करने के बाद जो एक और बड़ी चीज सामने आती है वो है अपने बिजनेस का प्रमोशन करना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। अगर बिजनेस शुरू करने के बाद आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन में कमी आ रही है। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सेल्स प्रमोशन आइडियाज और ऑफर्स आइडियाज लेकर आए हैं जिनको अपनाकर आप अपने बिजनेस में अच्छी सेल कर सकते हैं। फ्लैश सेल। फ्लैश सेल एक तरह का ऑफर है जिसमें सभी लोगों को सेविंग करने का मौका मिलता है, लेकिन एक बहुत ही छोटे समय के लिए। एक अच्छी तरह से की गई फ्लैश सेल आपके बिजनेस में अचानक से बढ़ोतरी कर सकती है। उदाहरण के लिए आप किसी न किसी त्योहार या फिर स्पेशल दिनों में 24 घंटे या फिर 48 घंटे के लिए फ्लैश सेल रख सकते हैं, जिसमें आप कुछ चुनिंदा उत्पादों पर 25% या फिर 30% तक ऑफ रखते हुए मुनाफा कमा सकते हैं। फ्लैश सेल का प्रमोशन करते हुए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा अलग होना चाहिए। कॉल टू एक्शन से मतलब है कि आपके एड्स में ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप कितने समय के लिए किस उत्पाद पर कितना ऑफर दे रहे हैं, ताकि लोगों के बीच किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे और वो जल्द से जल्द आपका प्रोडक्ट खरीद सके। करंट ऑफर। करंट ऑफर से मतलब है कि आप एक बहुत ही कम समय के लिए किसी तरह का ऑफर अपने कस्टमर को देते हैं, जैसे कि आप किसी भी फूड जॉइंट या फिर फूड बिजनेस में कुछ घंटे के लिए करंट ऑफर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप शाम के 5 बजे से 7 बजे तक अपने किसी भी फूड प्रोडक्ट पर 50% या फिर एक कॉम्बो ऑफर दे सकते हैं, जिससे उस समय आने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट खरीदें और आपका मुनाफा बढ़ जाए। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि अगर आप करंट ऑफर दे रहे हैं तो आपके पास उस उत्पाद की उपलब्धता अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर आपके पास आ रहे हैं और उन्हें वो उत्पाद नहीं मिल रहा है तो बाद में ये आपके बिजनेस के लिए एक नेगेटिव चीज बन जाती है। करंट ऑफर का इस्तेमाल आप ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं जो काफी समय से आपके पास है पर आने वाले समय में उनके बिकने की संभावना नहीं है। आप ऐसे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ऑफर बनाकर करंट सेल में उन्हें डाल सकते हैं। बाय वन गेट वन। ये ऑफर हम सब ने सुना होगा और लगभग सभी ने इस्तेमाल भी किया होगा, और स्टॉप बॉय वन गेट वन एक ऐसा सेल्स प्रमोशन है जो हमेशा ही काम करता है। और साथ ही इसमें सबसे फायदे की बात ये है कि ये लगभग सभी तरह के बिजनेस पर काम कर जाता है, भले ही आपका फूड बिजनेस हो या फिर क्लोथिंग बिजनेस। आप बाय वन गेट वन का ऑफर हमेशा ही अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऑफर को थोड़ा सा बदलते हुए आप बाय टू गेट वन भी कर सकते हैं, जिसमें आप उत्पाद अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हुए लोगों को दे सकते हैं। मिस्ट्री सेल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें लोगों को पहले से सेल या ऑफर के बारे में नहीं बताया जाता है। इसमें आप अलग अलग तरह के तरीकों से लोगों को अपने लिए ऑफर चुनने को कह सकते हैं, जैसे कि आप एक व्हील या फिर स्क्रैच कार्ड के जरिए लोगों को कह सकते हैं कि आप अपनी किस्मत आजमाइए और ऑफर पाइए। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हुए अपने हिसाब से ऑफर इनपुट करते हुए लोगों को अपने ऑफर्स दे सकते हैं, पर इसमें अच्छी चीज ये रहती है कि लोगों के बीच में एक दिलचस्पी बनी रहती है और वो ना चाहते हुए भी इन ऑफर्स के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कैशबैक सेल। आजकल कैशबैक सेल बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि थोड़ा सा पैसा खर्च करने के बाद उसे उसी में से हल्का सा पैसा वापस मिल जाए। इसलिए आप अपने बिजनेस में कैशबैक सेल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल का सबसे प्रचलित सेल्स प्रमोशन का तरीका है। बाकी बिजनेस की तरह इसमें भी यही है कि आप इसे किसी भी तरह के बिजनेस और उत्पाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल डिस्काउंट। लाइफस्टाइल डिस्काउंट एक ऐसा प्रमोशन है जो एक तरह के प्रोफेशन, उम्र के लोग या फिर एक जगह के लोगों को दिए जाते हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग लोग या फिर महिलाएं। आप चाहें तो इस डिस्काउंट को काफी महीनों तक रख सकते हैं, या फिर किसी विशेष दिन के लिए आप ये वाला डिस्काउंट लोगों को दे सकते हैं, जैसे महिला दिवस या फिर टीचर्स डे के आसपास आप ऐसे डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस तरह के प्रमोशन बहुत पहले से प्लान करके रखने चाहिए, ताकि विशेष दिन पर आपको बहुत ज्यादा तैयारी ना करनी पड़े और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। वाउचर और कूपन। आप ईमेल, वेबसाइट या फिर प्रिंट मटेरियल के जरिए अपने कस्टमर्स को वाउचर या फिर कूपन दे सकते हैं। कूपन आपके कस्टमर को प्रोत्साहित रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आप अपने अभी के कस्टमर्स को आने वाले प्रोडक्ट पर ऑफर मुहैया करवा रहे हैं। कूपन या वाउचर देने का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि इससे लोग अपनी आने वाली खरीद के लिए पहले से ही उत्साहित रहते हैं। फ्री शिपिंग और रिटर्न्स। किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी फीस ली जाती है।
फ्री शिपिंग और रिटर्न ऑफर में आप डिलीवरी फीस कस्टमर के लिए माफ कर सकते हैं। हालांकि ये फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज कस्टमर्स को उत्साहित करती है कि उन्हें डिलीवरी फीस नहीं देनी पड़ रही है। इसके अलावा आप अलग अलग प्रोडक्ट पर रिटर्न ऑफर भी रख सकते हैं, जिसमें किसी तरह के उत्पाद को खरीदने पर आपके कस्टमर्स को डिस्काउंट या फिर वाउचर आदि की सुविधा मिल सकती है। सोशल मीडिया प्रमोशन और गिव अवे। सोशल मीडिया प्रमोशन और गिव अवे के जरिए आप अपने बिजनेस में नए लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको लागत कम लगानी पड़ती है और मुनाफा ज्यादा होता है। गिव अवे में आप अलग अलग तरह की चीजें अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, जैसे कि आप किसी तरह की स्किन केयर या फिर हेयर केयर आदि का पैकेज बनाकर उन्हें दे सकते हैं। ध्यान रखें, गिव अवे पैकेज कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से मेल खाता हुआ होना चाहिए, ताकि लोग आपके बिजनेस को और बारीकी से समझ पाए। रेफरल डिस्काउंट। रेफरल डिस्काउंट देकर अपने कस्टमर्स को आसानी से अपने बिजनेस तक आप ला सकते हैं। इसमें आप पुराने कस्टमर को एक रेफरल कोड दे सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपनी जान पहचान के लोगों को करने के लिए कह सकते हैं। रेफरल कोड का इस्तेमाल करने के बाद नए कस्टमर्स को कुछ न कुछ ऑफर या फिर डिस्काउंट मिलता है, जिससे वो आपके बिजनेस से जुड़ते हैं। फ्री गिफ्ट्स। आप प्रोडक्ट के साथ किसी न किसी तरह के फ्री गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, ये लोगों को काफी अच्छे लगते हैं। सामाजिक प्रमोशन। हालांकि ये प्रमोशन हो सकता है आपको उतना मुनाफा ना दे, लेकिन ये आपके बिजनेस पर पॉजिटिव असर जरूर डालते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत बार HIV AIDS या फिर कैंसर से जुड़े हुए ऐसे कैंपेन शुरू कर दिए जाते हैं, जिसमें किसी एक तरह के प्रोडक्ट या फिर एक रंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस समय से आप ऐसे ही ऑफर देते हुए अपने कस्टमर से पॉजिटिव रिश्ते बना सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।